खेला होगा यहाँ परिवर्तन, खेला होगा यहाँ परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। देखिए हमारी जो जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उसको हम लोग अपने लीडर्स के पास रखते हैं। भाई हम सब ने मिलकर ये काम किया है। हम लोग कोई नाराजगी नहीं थी, हम लोग आला कमान के निर्देश पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चलती है, उसका पालन कर रहा हूँ। चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बस हम लोग आ रहे हैं, कमान हम लोग खिला रहे हैं उसका। जाने की बात चल रही दिल्ली से, दिल्ली चलेंगे। हाईकमान का जो आदेश है और जो निर्देश है उसके आधार पे आगे भी कार्रवाई होगी। हम लोग का खेला होगा यहाँ परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। हम लोगों की जो भी बातें थी, हम लोगों ने अपने प्रभारी के माध्यम से आला कमान तक पहुँचाने का काम किया गया है। हमें आश्वस्त किया गया है कि हमारी बातों को सुना जाएगा। शिल्पी जी, ये आगे भी बातें जारी रहेंगी? हाँ बिल्कुल रहेंगी। परिवर्तन आप लोगों ने बहुत सारे इश्यू उठाए हैं, सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, बहुत सारी बातें। सभी बातों पे बहुत विस्तार से प्रभारी जी से हुई है बातें पीसीसी और सीएलपी के समक्ष, और हमें आश्वस्त किया गया है, इन बातों को दिल्ली तक भी पहुंचाया गया, आश्वस्त किया गया कि हम लोग जल्द बैठ के एक बार फिर बात कर लेंगे। आप लोग पहुंच रहे हैं, नाराजगी जो थी वो हम लोग ने बता दिया है अपने शीर्ष नेताओं को, प्रभारी को, आला कमान को। अब राजभवन हम लोग प्रभारी जी के निवेदन पर पहुंचे। तो नाराजगी किस बात को लेकर थी? रिपीटेशन हो रहा है उन्हीं चेहरों को लेकर ये नाराजगी? परिवर्तन पे? देखिए परिवर्तन पे कोई नाराजगी नहीं थी। जब मंत्री के द्वारा कामकाज में विधायकों को अनदेखी की जाएगी या फिर कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जाएगी तो निश्चित तौर पर नाराजगी का आना लाजमी है। तो फिर आप लोग क्या दिल्ली भी मूव करेंगे जैसे सूचना? अब दिल्ली जो आदेश देगी वो हम करेंगे। तो अभी नाराजगी फिलहाल दूर हो गई है। मैंने बोला ना, नाराजगी जो थी वो बता दी गई है, निवेदन प्रभारी जी का था इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए एक चीज है, कि अगर नए चेहरे अगर लाने हैं, नए चेहरे तो लाने हैं, तो दोनों गठबंधन में नए चेहरे को लाने होंगे। अगर 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 जो है अगर जगह अगर कि नहीं लाने हैं तो दोनों गठबंधन। लेकिन हमारा कहना है कि संगठन के बल पे सरकारें आती है, संगठन कार्यकर्ताओं से होता है। कार्यकर्ताओं की बात है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी जो है कांग्रेस पार्टी के जो मंत्रीगण हैं वो तवज्जो दे, और कांग्रेस पार्टी जो जनता का काम लेकर के आते हैं उन कामों पे फोकस करें। लगे उनको, हमारे कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी गवर्नमेंट है। सिर्फ और सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग, सिर्फ हम सरकार चला रहे हैं, पार्टी के मेंबर हैं, उससे नहीं चलता है। घर जिस प्रकार से घर सामूहिक रूप से चलता है, एक एक लोगों का ख्याल रखा जाता है, लगता है उसमें नज़रअंदाज किया गया आप लोग। बिल्कुल अभी तक नज़रअंदाज हमारे मंत्री करते रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज आपके साथ चल रही है, मनमानी हो रही है। देखिए आज हम चाहते हैं तो 10 महीना में क्या जरूरी था हमको मांगने का, जिसमें 3 महीना हमारा आचार संहिता रहेगा। लेकिन 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 एक चीज़ है, मंत्री कोई भी बने विधायकों का बात सुनी जानी चाहिए। हमारे जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष क्यों नहीं, पंचायत अध्यक्ष हमारे क्यों नहीं हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष क्यों नहीं हो, उन तमाम लोगों का बात को सुना जाना चाहिए, ताकि जो आने वाला जो है 2024 हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सके। ये तो बात हुई, क्या नाराजगी दूर हो गई? आप लोग कह रहे थे यहाँ नहीं आएंगे, बहिष्कार करेंगे। देखिए हर कोई, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग अनुशासन में रहते हैं। आला कमान हमारे प्रभारी होते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। आला कमान ने हमसे आग्रह किया, हम लोग माने, लेकिन इस ये पे कि हम लोग आला कमान जो दिल्ली में बैठी हुई हमारे खड़गे जी हुए, राहुल जी हुए, वेणुगोपाल जी हुए, इन तमाम लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही थी कि जिस दिन मंत्री पद का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आप लोग आपस में लड़ जाएंगे क्या? नहीं, भाई नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी अपना सोचे ना, भारतीय जनता पार्टी अपना सोचिए। उन्होंने पहले ओपोजिशन लीडर बनाया, ओपोजिशन लीडर फिर चेंज किया, वो अपना देखे, अपना घर को देखे, हमको क्या सिखा रहे हो? कहाँ जाएंगे आप लोग शपथ ग्रहण के बाद, क्या करेंगे? शपथ ग्रहण क्षेत्र है अपना, क्षेत्र से बाहर विधायक कहाँ जाएगा? दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल जाएंगे। अरे कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। आपस में परिवार है, कुछ बातें होती है। कहना है कि परिवर्तन होने चाहिए थे जैसे जेएमएम ने किया, होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उचित नहीं समझा, नहीं किया। कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, अपनी भावनाओं से अवगत कराए, लोकतंत्र में होता है ये सब। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।